नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, हर रविवार रात को हम बात करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में। कई करियर्स को लेकर हम लोगों ने चर्चाएं की और हमारे पास प्रश्न भी उसी हिसाब से बहुत बड़े तादाद में आजकल आ रहे हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा है उन बच्चों का जिनका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में, लिटरेचर में, इस दिशा में है। एक बात मैंने इसमें से देखी है, हालांकि जर्नलिज्म की बात तो लोग करते हैं, लेकिन इन पत्रों से कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक डर दिखाई दिया कि करियर तो बन जाएगा, क्या हम पैसे भी कमा पाएंगे? मैं किताब लिखना चाहता हूं, लेकिन क्या वो किताब लोग पढ़ेंगे? क्या बच्चों का आज भी किताब के प्रति इंटरेस्ट होगा? क्या लोगों का इंटरेस्ट किताब पढ़ने में है, वो रुचि है? और इसलिए लोगों को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है कि कहीं राइटर बनने का सपना से सपना बन के ना रह जाए, एक साइड हॉबी बन के ना रह जाए, क्योंकि भविष्य बिना पैसे के तो उज्ज्वल हो नहीं सकता, ऐसा मानना है। हालांकि मेरी एक सोच है कि अगर पैसे से ही अगर भविष्य उज्ज्वल हो सकता तो फिर मुझे जहां तक लगता है कि धन्ना सेठों के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कोई करियर होना ही नहीं चाहिए। ऐसा होता नहीं है। जॉब सेटिस्फैक्शन, पैसे, दोनों का ही एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब हम इस बारे में, इस रुख की तरफ अगर हम चर्चा करते हैं, तो क्यों ना हम किसी ऐसे शख्सियत के साथ चर्चा करें जिनके रगों में खून से ज्यादा उन किताबी पन्नों के महक ज्यादा बसती है। जी हां, तो हम बात कर रहे हैं चित्रलेखा। चित्रलेखा वो उपन्यास जिसने भारत में उपन्यास का इतिहास बदल के रख दिया, उसके रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा। आज हम उनसे बात करने के लिए, या उनसे कहीं ना कहीं एक, जिसको कहते हैं ना कि उनका जो दृष्टिकोण है वो साझा करने के लिए उन्हीं के पौत्र को, हालांकि वो खुद भी एक बहुत बड़े लेखक है, उनके तीन तीन अभी लेख अभी सामने आ चुके हैं, उनके तीन उपन्यास सामने आ रहे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। उनका नाम है श्री चंद्रशेखर वर्मा। तो आइए चलते हैं स्टूडियो में, बात करते हैं श्री चंद्रशेखर वर्मा जी से। तो चंद्रशेखर वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते शुभांकर, और करियर काउच के इस मंच पर। चंद्रशेखर जी, फिलहाल तो आपके लिए आपका जो परिचय है वो आपके दादाजी से अलग तो नहीं हो सकता, इसलिए जब शुरुआत में मैंने आपका परिचय दिया तो मैंने वहीं तक बात सीमित रखी। हालांकि आप अपने आप में बहुत बड़े लेखक हैं, आप MIT यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन आप उसको हेड करते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा जरूरी, आपने साहस करके वो वाला रुख अख्तियार किया है जिसको लेके लोगों के मन में बड़ा डर है, वो है लेखक बनने का। जी, और आपका एक नॉवेल बेस्ट सेलर रहा है। जी हाँ, कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, एकदम सही। तो सर, ये जो एक जो सोच है लेखक बनने की, वो तो खैर आपके रगों में है जी, लेकिन क्या डर भी, ये भी साथ में रहता है, या ये बचपन से ये था कि नहीं, दादाजी को देखा, इतने बड़े लेखक हैं, इतने प्रचलित थे, उनकी चर्चा मतलब हो ही नहीं सकता, हम तो ICSE की किताबों से उनको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो ये था कि नहीं, लेखक ही बनना है? क्या होता है शुभांकर जी, कि आप जब भी कोई करियर चूज करते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वो कि इसमें आपका पैशन, आपकी रुचि है या नहीं, दूसरा ये कि कितना फुलफिलिंग है वो करियर। तो रुचि तो साहित्य में थी मेरी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो आपका सवाल है कि क्या वो करियर फुलफिलिंग है, तो इसमें जाहिर सी बात है, यू विल गेट डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दिस। तो अगर हम कुछ चर्चित नामों का की बात करें, जैसे कि आपने हमारे बाबा जी का नाम लिया, या फिर यशपाल जी हुए, प्रेमचंद हैं, अमृतलाल नागर हैं, उस वक्त इन्होंने कितने पैसे कमाए, कितना इनका फुलफिलिंग लाइफ था ये कहता मुश्किल है, लेकिन जरूरत भर का इन्होंने नाम भी कमाया, और शायद पैसे की इतनी चाह नहीं थी, जो मिल गया उससे काम चल गया और हम लोग को एक अच्छी परवरिश मिल गई, ये तो कह सकते हैं।
लेकिन अगर आप आज के लेखकों की बात करें, आप चेतन भगत की बात करें, आप अमिश त्रिपाठी की बात करें, आप तो इन लोगों ने दे आर मल्टी मिलियनेयर्स। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इस फील्ड में पैसा है या जो सेटिस्फेक्शन है, तो है, और उतना ही है जितना क्रिकेट में है, उतना ही है जितना फिल्मों में है, उतना ही है जितना किसी और फील्ड में टॉप वाले आदमी को मिलता है। दिक्कत क्या है कि अगर आप सोचें कि सारे डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं तो ऐसा तो नहीं है, सारे इंजीनियर्स बहुत रिच हैं ऐसा भी नहीं है। तो कौन है जो ज्यादा कमा सकता है या ज्यादा सक्सेसफुल होता है? वो होता है जो ज्यादा मेहनत करता है, जो नब्स पकड़ता है कि मेरी जैसी सर्विसेज की किसको जरूरत है। तो जब आप इस तरह से काम करते हैं तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो आप सक्सेसफुल होंगे। आपके पास एग्जाम्पल्स हैं सक्सेसफुल लोगों के, हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे भी लोगों के हैं जो कि फेल हो गए हैं। तो उनसे ये सीखना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्या किया जो आप वहां तक नहीं पहुंच सके। मैं हमेशा ये कहता हूं शुभांकर जी कि हमारे पास जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स होते हैं वो सामने आते हैं, लोग उनके आई जिक्र करते हैं, मैंने भी अभी उन्हीं लोग के नाम लिए, लेकिन कभी 10-20 ऐसे लोगों से भी बात करिए जो कि हु कुड नॉट मेक इट, कि क्या रीजन था कि वो नहीं बना पाए। तो उनकी गलतियों से सीख कर आप अपना काम सही कर सकते हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, आपकी बातों से एक बात तो समझ में आई कि आपने कहीं ना कहीं इस बात को आपने स्वीकारा कि देखिए बात पैसे कमाने की नहीं है, सक्सेस जो है वो पैसे से कहीं बढ़कर है, एक बात तो ये रही। दूसरी बात आपने ये कहा कि आपने अमीश का नाम लिया, आपने चेतन भगत जी का नाम लिया, तो ये दोनों ही जो है ये दोनों आप सेलिब्रिटी राइटर्स हैं जी। द सेलिब्रिटीज शैल ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड, बट एट द सेम टाइम जो न्यू कमर्स हैं, वो जो नए बच्चे हैं अभी उन्होंने लिखना शुरू किया है और बहुत अच्छा लिखते हैं साहब, आज अगर आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के गलियारे में झांक के देखें तो आपको कई ऐसे अमीश और चेतन भगत उसमें टहलते नजर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम एक चीज देखते हैं कि लोगों में एक डर, पहली तो चीज है कि जो मेरी रचना है क्या वो छपेगी, छपेगी तो पढ़ेगा कौन। तो ये जो एसेस करना, वन इज टू राइट फॉर द सेल्फ टू मेक द सेल्फ हैप्पी एंड वन इज टू अज्यूम व्हाट पीपल वांट टू रीड और उस हिसाब से लिखना, इन दोनों में अंतर कैसे निकालते हैं सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है शुभांकर जी कि एक लेखक की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसको कितने लोग पढ़ते हैं। जी जी। और एक जो जनरल परसेप्शन इस वक्त है ये है कि पढ़ने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, यानी रीडरशिप घट रही है। मुझसे अभी मेरी किताब के लॉन्च के दौरान किसी ने प्रश्न पूछा था कि पाठकों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। जी, तो जी मेरा जवाब ये था कि अगर आप लेखकों की संख्या थोड़ी कम कर देंगे तो पाठकों की संख्या बढ़ जाएगी, स्कैसिटी ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति लेखक बन रहा है जी, जी, और जी। अच्छा या बुरा बताने वाले सही लोग नहीं है। मेरे दादाजी के पास एक कवि आए, बड़ा नाम है वो कविता में, और ये तब की बात है जब वो स्वयं छात्र थे, और वो एक लंबी चौड़ी कविता उनके पास लेके आए कि बाबूजी इसको देख लीजिए कि ये छप सकती है कि नहीं। तो बाबा ने उसको 10-12 मिनट तक पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, और फिर उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें इसको लिखने में कितना वक्त लगा। तो उन्होंने कहा 3 दिन से लिख रहा हूं। अच्छा। तो बाबा ने कहा देखो 3 दिन अपने और आधा घंटा मेरा बर्बाद कर चुके हो, 3.5 दिन हो गए, अब इसको छपवा के हजारों लोगों का और समय बर्बाद ना कर, मेरी राय ये है। बहुत बुरा लगा होगा उनको, लेकिन आज जब मैं उनसे मिलता हूं तो वो बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस समय बाबूजी ने मुझे टोका तो कम से कम मैं अपने लेखन में सुधार ला सका और समझ सका कि एक्चुअली पाठक क्या पढ़ना, पाठक क्या पढ़ना था। हो क्या रहा है जो सोशल मीडिया है, ये जो फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की दुनिया है, इसमें हम कुछ भी लिखते हैं और डाल देते हैं तो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तुम्हारी कविता को मैं वाह वाह कर दूंगा, मेरी कविता को तुम वाह वाह कर दोगे, और हम एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में पहुंच जाते हैं। सही बात, हमने अच्छा लिखा है, 50 लोग ने मेरी कविता को लाइक किया है, 50 लोग ने उस पर कॉमेंट लिखे हैं। आपको सही व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो आपको सही से गाइड कर सके, और ये किसी भी करियर के लिए जरूरी है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं उसको आप उस जो निंदक है, जो सही मायने में निंदक है, इसको आलोचक कह लीजिए, निंदक तो थोड़ा सा नेगेटिव टर्म हो जाता है, जो आलोचक है, जो उसकी सही समीक्षा कर सके, यदि आपको वो व्यक्ति मिलता है तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। निंदक नियर राखिए, बिल्कुल सही बात है, अपने आलोचकों को अगर आप अपने साथ रखते हैं, उनसे अगर कंटिन्यूअसली आप फीडबैक लेते हैं तो आपको
किसी भी, जरूरी नहीं किसी लेखन की ही हम उसी प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करेंगे, लेखन के फील्ड की बात नहीं करेंगे, बात यह है कि आप प्रतिस्पर्धा में आप खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, चाहे आप में कोई भी प्रतिभा हो, इसके विषय में अगर जानना होता है तो आपको एक आलोचक चाहिए, उस आलोचक से आपको सही जानकारी अपने विषय में आप पा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही चंद्रशेखर जी, लेकिन एक बात वहीं से बात आती है कि एक होता है परिवार में चला आ रहा है, तो आप में जो साहस था कहीं ना कहीं वो भगवती चरण जी के जो रगों का खून था वो आप सबको एक साहस दे गया जी। लेकिन जो बच्चा नया शुरू करता है उसको घर पे वो गाइडेंस नहीं मिल पाता, स्कूल कॉलेजेस में ऐसा कुछ है नहीं जहां पे नॉवेल राइटिंग और बुक राइटिंग के ऊपर कोई कोर्स हो, तो वाकई बच्चों का वो एसेस करना, पहली बार में कोई बच्चा अगर लिखता है, मैं बच्चा इसलिए कहूंगा वो किसी भी उम्र का हो सकता है, ये बात नहीं कि 30 साल का हो, लेकिन पहली बार जो रचना कोई लिख रहा है उसके मन में चिंता होती है कि भाई पता नहीं लोग ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मेरा ये भाई पसंद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इससे तो जूझना पड़ता ही है। सर एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्या एजुकेशन में आपको नहीं लगता कि इसकी कमी है, जहां पे की जो क्रिएटिव राइटिंग है उसके प्रति हम सीरियस नहीं हो पाए, या हम लोग वो चीज समझा नहीं पा रहे हैं कि पाठकों को क्या चाहिए, इसके लिए भी क्या कोर्स होना चाहिए? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं चाहता था कि इस तरह का प्रश्न कोई मुझसे पूछे, आज तक किसी ने नहीं पूछा था। आप अगर आप करंट सिस्टम ऑफ स्टडीज देखें जी, जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, आप लंबे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स से आ गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, राइट? तो आपने खुद ही उसकी जो लिखने की काबिलियत थी हाँ, आपने छीन ली, बिल्कुल सही बात, ठीक है। फिर आपने उसके हाथ में जो सोशल मीडिया पकड़ा दिया है या जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन पकड़ा दिया है उसमें वो आइकॉन से इमोटिकॉन से अपनी बात कह लेता है, रटे आप मोबाइल पे कुछ लिखना चाहते हैं और मोबाइल प्रॉम्प्ट कर देता है कि आप ही लिख लो, एग्जैक्ट। तो उसकी जो लिखने की काबिलियत थी वो कम हो गई, वो कम हो गई है, और पढ़ने का उसको वक्त नहीं दे रहे हैं। देखिए अभी आप जो बात कर रहे थे कि वो शुरुआत कहां से, उसको लिखना है, वो लेखक बनना चाहता है, स्कूल में कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, उसको निजी जिंदगी में भी कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो वो लिखना शुरू कैसे करे? पढ़ना शुरू करे। और जब वो पढ़ना शुरू करेगा, जब वो अच्छी किताबें पढ़ेगा, जब वो अच्छे लेखकों को पढ़ेगा, विश्वास मानिए ये जो जजमेंट है कि मैंने अच्छा लिखा या बुरा लिखा, आप सबसे अच्छे आलोचक स्वयं हैं। एग्जैक्टली, जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आपको पता होता है कि आपके चेहरे पे कहीं कालिक है, आपके बाल खराब हैं कि क्या है। उसी तरीके से एक आईना जो होता है वो आपका अपने अंदर एक आईना रहता है, आपकी जो इनर वॉइस है वो ये बताता है कि आपको कंटिन्यूअस कि बॉस कुछ गलत जा रहा है, इसको सुधार कर लो। और ये तब आप जान पाते हैं जब आप दूसरों की लेखन अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको आइडिया बनता जाता है। लेकिन चंद्रशेखर जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये बात आपके बाबा से लेके है, तो मैं कहा जाता है कि चित्रलेखा भी जब लिखी गई थी बेसिकली वो पहली बार में हिट नहीं हुई थी, कई बात सच है? लोग ऐसा कहते हैं, मैं इस पे श्योर इसलिए नहीं हूं कि ये बात पूछने की हिम्मत मेरी बाबा से थी नहीं। और ये बातें आमतौर पे जब लेखक नहीं होता है, उसके आसपास के लोग जीवित नहीं होते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए आजकल जितनी लोग हिस्ट्री बताते हैं या एनेक्डोट्स बताते हैं कि सब साहिर साहब ने, तो वो आप देखिए कभी स्टडी करिए, उसमें जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। तो आप किस्सा बना लेते हैं और किस्सा बन जाता है। अगर मैं अकबर और बीरबल की कहानी बताऊंगा तो ना अकबर कंफर्म करने के लिए, बीरबल कंफर्म करने के लिए, तो कुछ भी चल सकता है। और ये कहा भी जाता है कि जो साहित्यिक लेखन होता है, जो ये जो जितनी रचनाएं होती हैं, आप किसी को पढ़ लीजिए, आप रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ लीजिए, आप टैगोर पढ़िए, आप मुंशी प्रेमचंद पढ़िए, ये लोग इतिहास के आजू बाजू में कहानी को बनाते थे जी। तो अब होता क्या था कि इतिहास के आजू बाजू से जब आप कहानी लेते हैं तो एग्जैक्टली इतिहास नहीं होता, नहीं होता, वो कहानियां होती हैं जो उसके चारों ओर बुनी जाती हैं। अब आप पद्मावत को ले लीजिए, उसका बिल्कुल सही बात है, उसको लेके भी तो कई चर्चाएं हैं, कई लोग कुछ कई बातें करते हैं, फिक्शन है और उसको इतिहास मान लिया गया है, पर ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बहुत बड़ा, जोधा अकबर रिलीज होती है तो सोचिए इसको लेके टसल हो जाता है कि भाई अकबर की जो वाइफ थी उनका नाम जोधाबाई था कि हीराबाई था, और तमाम नाम उसके ऊपर चल पड़ा। तो जावेद अख्तर साहब खुद कह चुके हैं कि जोधा उनकी पत्नी नहीं थी। हाँ हाँ, ये बात उन्होंने भी कही जी। खैर अब अगर सर जहां तक ये सब बातें हो ही रही हैं, तो अब बढ़ते हैं कि फिर जो क्रिएटिव राइटिंग है ये बच्चों में जो चल रहा है,
तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म कौन सा बनाया जाए कि जिसमें ये बच्चे अपना जो अपनी जो प्रतिभा है उसको रख भी सके, समझ सके, परख सके कि भाई उसकी जो रीडिंग कैपेसिटी है, उसकी जो इलेजिबिलिटी है या लेजिबिलिटी है वो कितनी है, पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चल सके जी, जी। लेकिन कम से कम बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो एक तो बेरोक टोक और बेखौफ होके लिखना तो सीखे कम जी। तो एक तो इसका शॉर्ट टर्म आंसर शुभंकर जी जी कि स्कूल्स को अपने लेवल पे कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे राइटर्स को जो थोड़ा सक्सेसफुल रहे हों उनको इनवाइट करें, बच्चों को अपनी लाइब्रेरीज में उस तरह की पुस्तक उपलब्ध कराएं जबकि जर्नल सब प्रिंट करेंगे जी, प्रिंट सब सब लोग जर्नल सब के सब स्कूल के में जर्नल्स हैं, उनको पढ़ने के लिए बात करें और उनका जो समय इधर उधर जा रहा है उसको थोड़ा और कंस्ट्रक्टिव, माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो वापस लाए किताबों की तरफ। और लॉन्ग टर्म इसका ये है कि हमें सिस्टम में सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसा आजकल हो रहा है, मैं एक आपको एक दिशा दूसरी दिशा में ले जा रहा हूँ क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है उस बच्चे के लिए जो लेखक बनना चाहता है। आज की तारीख में अगर आप किताब लेके किसी प्रकाशक के पास जाएंगे, मैं तो उस पर 4-5 घंटे बोल सकता हूँ मेरी जर्नी की, किस तरह से किताब को मैं प्रकाशक के पास ले गया और किस तरह से पहली बार दूसरी बार तीसरी बार उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन आपके पब्लिकेशंस तो सब बड़े बड़े हैं, दोनों बड़े पब्लिकेशंस रहे हैं, एक रूपा है, एक राजकमल है, जो कि राजकमल दोनों ही बड़े। तो मैं ईश्वर को थोड़ा सा धन्यवाद देता हूँ। और कई बार ये भी कहा जा सकता है कि राजकमल ने आपकी किताब इसलिए छाप दी कि आप भगवती चरण वर्मा के पौत्र हैं और भगवती चरण वर्मा की पूछने जा रहा था कि कहीं नाम का फायदा तो नहीं आपको मिलता है, लेकिन नाम का लाभ इतना होता है, और मैं एकदम पूरी ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि आपको नाम का लाभ इस तरह से मिल जाता है कि जो राजकमल के ओनर हैं वो आपसे बात कर लेते हैं और आपकी किताब को स्वीकार कर लेते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट रिजेक्ट नहीं करते। एग्जैक्ट। लेकिन अगर किताब कूड़ा होगी तो रिजेक्ट तो होनी है, आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े आप जो बाइडन की भी सिफारिश से आएंगे तो वो नहीं छापेगा, उसके लिए धंधा पहले। सही बात है ठीक है ना, तो वो धंधा करने बैठा है वो, हाँ। जी, जी, जी। तो ये गलत फहमी है कि हम प्रेशर लगवा के छपवा लेंगे, प्रेशर लगा के आप पढ़वा सकते हैं, वो फायदा मुझे मिला आई लेट मी दैट, लेकिन उसके आगे का काम किताब की मेरिट पे ही होगा। तो बच्चों से मैं यही कहूंगा कि ये जो प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन है इसको भी थोड़ा समझे, सिर्फ किताब छपवा लेना काफी नहीं है, किताब को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, एक क्रिटिकल मास होता है। जैसे मेरी पहली किताब थी उसकी स्ट्रगल थी कि 200-250 कॉपी वो ऐसे बिक गई कि हमारे दोस्तों ने जानने वालों ने लॉन्च के दौरान खरीद ली किताबें, 200 से 2000 की जर्नी बहुत टफ थी, उसमें वक्त भी लग रहा था, बहुत एफर्ट लग रहे थे और पैसे भी लग रहे थे, मतलब मैंने बॉम्बे में जाके बैंगलोर में जाके मार्केटिंग की, बुक लॉन्चेस की, लेकिन 2000 से 10000 की जर्नी आसान थी। राइट। कि उसके बाद एक क्रिटिकल मास चल जाता है, हाँ, फिर एक वर्ड ऑफ अगर अच्छी होगी 2000 तक लोग पहुंच गई, अब वो कहेंगे यार अच्छी किताब है तुम भी पढ़ो, हाँ। लोगों को दिखाई पड़ेगी किताब इधर उधर, और ये तो बुक स्टॉल्स भी कभी कभी खुद से रिकमेंड करने लगते हैं। एज अ मिस्ट्री कस्टमर जयपुर एयरपोर्ट पे और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे इसी स्ट्राइक की है कि मैं पहुंचा, मैंने कहा कोई अच्छी किताब बताओ, उसने मेरी किताब मुझे पकड़ाई है, तो इस तरह की चीजें हुई हैं। तो वो कहते हैं कि जब चेतन भगत जी से पूछा गया कि बेस्ट सेलर, तो उन्होंने कहा था कि मतलब मेरे पहला नॉवल जो उनका 5.1 था जी, तो उसके सक्सेस के पीछे उन्होंने कहा कि मैंने खुद ही बेस्ट सेलर बोल बोल के उसको आधा बेस्ट सेलर कर लिया। तो ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए। जर्नी आसान नहीं है शुभांकर जी, लेकिन असंभव नहीं, तो ये समझना पड़ेगा। और आसान कोई भी सफलता, कोई भी जर्नी नहीं है साहब, कोई जर्नी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एक्टर्स एक्ट्रेसेस कुछ भी ले लीजिए, सबको अपनी एक जर्नी होती है। आप 50-60 लोग को जानते हैं जो लाखों लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा उनकी कहानियां सुनी कि वहां वो लोग कहां पे गलत थे जो वहां तक नहीं पहुंच पाए। सही बात है। अच्छा, लेकिन अब एक थोड़ा सा मैं टेक्निकल में घुसता हूं जी, बुक्स एंड ई बुक्स, क्या ई बुक्स ने रीडरशिप में बढ़ोतरी की, आसान की, कि ई बुक्स कहीं ना कहीं जो प्रॉपर रीडर्स थे उसको डिस्करेज कर ले गए और वो रीडिंग जो थी वो धीमे धीमे लोगों में गिरती चली गई, क्योंकि ये जो किंडल पे पढ़ना और इस पर पढ़ना, वो जो बुक पब्लिश होता था पेपर तो बचा लेगा साहब, लेकिन कहीं ना कहीं रीडर्स खो दिए।
देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और इसमें मैं थोड़ा ओल्ड फैशन माना जाऊंगा, जो आपके यंगस्टर्स इस चैनल को देख रहे होंगे जाहिर सी बात ये सोचेंगे कि किताब की खुशबू जब तक ना हो तब तक किताब को पढ़ने का मजा नहीं वो है। पन्ने की जो नए पन्ने की महक होती है, आप जब बुक स्टोर में जाते हैं आप इन्हीं बच्चों से जो कि ई बुक को बहुत रिकमेंड करते हैं या कहते हैं मैं किंडल पे पढ़ रहा हूँ, think it's a fashion to read on Kindle. Exactly. उनसे कही कि तुम्हारे स्कूल बुक्स को अगर हम ई-बुक पे लेंगे तो वो कभी नहीं मानेंगे। वो चाहो नई किताबों का उनपे कवर चढ़ाने का, उनपे लेबल लगाने का, तो एक पहली चीज ये माननी पड़ेगी कि जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है उसको परिवर्तित न करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये कि जो रिप्लेसमेंट की बात है किसी हद तक हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। मैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में था, न्यूज़पेपर्स में भी मैंने देखा कि रीडरशिप कम हुई। अब वो ई बुक में ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, ई पेपर में ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, आई कैन नॉट से। लेकिन बट डू यू रियली थिंक क्योंकि बात ई पेपर की निकली है तो मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि वाकई ये जो ई पेपर्स इतने निकलने लगे हैं हर एक पब्लिकेशन का, हर एक आपके अगर आप मैगजीन्स और इसको देख लें तो उसकी आजकल ई बुक्स और ई मैगजीन्स और ई पेपर्स निकलनी शुरू हो गई। लेकिन क्या वाकई हम ई पेपर में, मैं तो नहीं पढ़ता, नहीं ई पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि एक उतने से उसमें आप छोटे पेपर पे इसका जो होता क्या है शुभांकर जी कि जो कॉम्पिटिटर होता है किसी भी फील्ड में वो जरूरी नहीं है कि उसी कैटेगरी का हो। मसलन आप एक मॉल में घुसते हैं, आपको डिनर करना है या तो आपके पास आपकी जेब में 1,000 रुपए है और उसी समय आपको एक लिवाइस का ऑफर दिखाई पड़ता है कि jeans worth 4,000 available for 1,000 only for today. तो आप कहते हैं यार चलो खाना किसी और में खा लेंगे, आज ही jeans खरीद लो। तो देखिए आप खाने का competition jeans हो गया। Exactly. तो ये तो pocket share और mind share snatch करने वाली बात है। Exactly. तो क्या हुआ है कि newspaper का replacement अगर मैं मानूं तो ये जो आपके snippets आते रहते हैं ना, मेरी daughter है, she's a young girl, तो वो अखबार नहीं पढ़ती है। हम तो पढ़ते हैं अभी भी सुबह, वो नहीं, हमारे घर में आते हैं 3 अखबार पर वो बच्चे नहीं हाथ लगाते, पर शी इज अपडेटेड, शी नोज एवरीथिंग, बस क्योंकि उसके पास हर 15 मिनट में मोबाइल पे फ्लैश हो रहा है क्या हुआ। सही बात है, सम टाइम शी कम्स एंड अपडेट्स मी, शी विल बी मोर अपडेटेड एज़ कंपेयर्ड टू यू बिकॉज़ यू विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पेपर, आप दूसरे दिन के पेपर तब तक वो पढ़ चुकी है, तो वो डिटेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। अखबार में डिटेलिंग है, तो ये इट्स अ 5-day टेस्ट मैच टू 2020। राइट राइट राइट, यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कहने का मकसद ये है कि दैट वी समवेयर हैव लॉस्ट द एडिटोरियल रीडर्स, बट वो जो हेडलाइन रीडर्स थे उसमें बढ़ोतरी हुई है। आजकल हम लोग हेडलाइन ज्यादा पढ़ रहे हैं, उसके अंदर के जो छुपे हुए जो किस्से होते हैं वो हम लोग वंचित रह जाते हैं, पूरी बात पढ़ने हम वन लाइनर में पिक्चर पूरी देखने। हाँ, अगर आज देखा दिया गया कि भाई कोविड वैश्विक महामारी बन रही है, अब ट्रस्ट मी कुछ लोग उस हेडलाइन को पढ़ के उसके ऊपर और जितनी कहानियां बना देते हैं और कौन कौन सी पिक्चर लगा के बना देंगे, और शायद यही एक तरीका होता है जहां से र्यूमर फैलता है। Exactly. You have hit the nail. ये जो So, अब आता हूं नेक्स्ट जी, डू र्यूमर्स क्रिएट फिक्शन और डू फिक्शन क्रिएट र्यूमर्स, बोथ वेज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। देखिए मैं एक लेखक की हैसियत से भी बोलूं तो मुझे बस एक हल्का सा फैक्ट का झलक चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए और मैं उसके इर्द-गिर्द कहानी बुन दूंगा। जैसे अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि चाहे वो किसी का भी ले लीजिए आप, उसको चाहे प्रेमचंद जी करते थे, आप पूरे ब्रिटिश टाइम को उन्होंने इतना खूबसूरती से सामने रखा, लेकिन अगर उसके चारों तरफ की कहानी देखें उसमें वो ब्रिटिश एरा से कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता था। नहीं, बस वो शुरुआत होता था, उन्होंने एक बार बांध दिया समा, उसके बाद वो कहानी अपने आप में। तो एज अ राइटर मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए। मैंने अपनी किताब के प्राकथन में लिखा भी है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। राइट, वेरी ट्रू। जब हम अखबारों में पढ़ते हैं, घटनाएं पढ़ते हैं या आसपास देखते हैं, लोगों से किस्से सुनते हैं, तो मुझे कहानियां मिल जाती हैं। अब इन कहानियों से र्यूमर्स भी बनती होंगी, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है कि हम कहानी को सच मान लेते हैं और सच मानने के बाद उसको स्प्रेड करते हैं, तब वो र्यूमर की तरह फैलती है। अच्छा चंद्रशेखर जी, अब आपके अगर मैं 3 ये जो नॉवेल्स रही हैं या बुक्स रही हैं, मैं उसके ऊपर मैं बात करूं, क्योंकि एक आपका सेल्फ हेल्प बुक है जी, राइट जी, जिसमें आपने सिर्फ वही से, जैसे आप कई गाइडेंस की बुक्स आती हैं,
जिसमें आप लोग हाउ टू हील योरसेल्फ, हाउ टू कीप योरसेल्फ नरिश्ड, हाउ टू ये जो हाउ टू वाले जितने बुक्स होते हैं ठीक है ना, जिसको हम लोग समझते हैं कि वो बहुत सेल्फ हेल्प के लिए होती हैं, हालांकि वास्तविकता ये है कि सारी किताबें सेल्फ हेल्प के लिए नहीं होती हैं जी। अगेन डोंट गो और डोंट रीड द बुक बाय द कवर इटसेल्फ, आपको उसको अंदर पढ़ना पड़ेगा तो समझने के लिए कि वाकई वो जो फैक्ट्स हो फैक्ट्स हैं कि नहीं है। सर इसी विषय पर अगर हम बात करें जी, आपने नॉवेल भी लिखा और आपने ऐसे सेल्फ हेल्प की बुक भी लिखी जी, कंपैरेटिवली दोनों में से कौन सा चीज ज्यादा इजी रहा आपके लिए? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। जब मैं अपनी नॉवेल को लेके गया पब्लिशर के पास तो ज्यादातर पब्लिशर ने मुझे ये जवाब दिया कि सर आप फिक्शन कोई नहीं पढ़ता है, कुछ सेल्फ हेल्प लिखिए। तो मेरे दिमाग में कहीं एक कीड़ा बैठ गया था कि मुझे सेल्फ हेल्प भी लिखना है, लेकिन वो मेरा जॉनर नहीं है। मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प की बात तो हर आदमी कर रहा है, तो उसमें आप एक्सक्लूसिव क्या कर लेंगे? और आप गूगल इज द बिगेस्ट सेल्फ हेल्प बुक अवेलेबल जी जी जी, हर हर विषय पे उसमें हजारों चीजें। हमें अपने सेशंस करने होते हैं तो हम गूगल से जाके मदद मांगते हैं। सही बात। तो फिर ऐसा मैं क्या लिखूंगा? तब मुझे एक बीच का रास्ता मिला। बीच का रास्ता ये है कि मैंने जो सेल्फ हेल्प की बातें भी कही है, देखिए हमारे माँ बाप ने या हमारी दादी नानी ने हमको ये नहीं बताया कि बेटा झूठ बोलना पड़ी बुरी बात है, हमें ये नहीं बताया। उन्होंने हमें भेड़िया आया कहानी सुनाई। हाँ हाँ, यानी कहानी के माध्यम से जो आपने कहानी के माध्यम से आपने लेसन दिया। तो मेरी ये जो किताब है इसमें भी कहानी के माध्यम से ही लेसन्स दिए। ओके ओके ओके। तो सर मेरा एक्चुअली प्रश्न पूछने का मतलब मकसद ये था ताकि हम कुछ जो हमारे जो भावी लेखक हैं जो राइटिंग एंथुसियास्ट हैं तो उनको हम ये चीज पहुंचा सके। कौन सा चीज आपको आसानी से बेचने में आसानी हुई, एक सीधी सीधी कहानी या ये सेल्फ हेल्प बुक? सेल्फ हेल्प बुक आजकल बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं जी, तो प्रकाशक जो होता है वो कौन सी चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, किस चीज को लेना ज्यादा? अगर आप सच पूछें तो प्रकाशक आज की तारीख में सेल्फ हेल्प बुक ज्यादा मांग रहा है, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक में भी आपको इनोवेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो कॉन्टेंट मौजूद है अगर आप उसी की कॉपी पेस्ट, ज्यादातर सेल्फ हेल्प बुक में कॉपी पेस्ट हो रहा है, आपने प्रेजेंटिंग द ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, तो आपको उससे थोड़ा सा इतर हटके आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसे विषय पे बात की जाए जो अभी तक नहीं कहे गए हैं। स्टीवन कवी का आपने नाम अवश्य सुना होगा, सेवन हैबिट्स जिनकी किताब है, तो अब वो सेवन हैबिट्स अब इतनी ज्यादा चर्न हो गई हैं, राइट, कि हर आदमी एट हैबिट तो उसी को तोड़ तोड़ के बन रहा है, तो वो आप मत करें। आप अगर बच्चे आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हैं जो अभी तक नहीं कही गई है, नवीनता की मार्केट हमेशा रहे, राइट, ये समझे, कुछ नया बनाना है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि नई चीजें ना आए। अगर हम ये सोच लेंगे नई चीजें नहीं आएंगे तो हम वही वाला मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं जिसमें जो पहले से चल रही थी, चलता वो किसी ने सोचा होगा ना कि ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो आपको अपने दिमाग को चलाना, पॉसिबिलिटी आप ढूंढते रहिए और नई चीजें मिलती जाएंगी। बिल्कुल सही कहा चंद्रशेखर जी आपने, और आपने इतनी खूबसूरती से जो अपना जो लेखन का अंदाज रहा है वो आपने जो हमारे दर्शकों के साथ जो आपने साझा किया है, मैं आशा करता हूँ हमारे जो दर्शक हैं, जो वो नवीन लेखक हैं जो कुछ नया रचना अपने साहित्य की तरफ जो पढ़ना चाहते हैं, अपने नया रचने के रचना कुछ रचना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे चंद्रशेखर जी, और हाँ आपने इनके लिए आपने इनसे पूरी बातें सुनी कि किस तरीके से आपकी जो प्रतिभा है वो कैसे हम पाठकों तक आसानी से पहुँचा सकें। आपने आज जाना कि प्रकाशक किस तरीके से चयन करता है कि एक किताब जो है वो वाकई वो रीडेबल होगा कि नहीं होगा, वो पाठकों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, और उस हिसाब से आपका जो प्रकाशन होता है, जो पहला जो आपका किताब छपता है वो खुशी आप तक पहुंच पाती है। बात पैसे की और जहां तक शौर्य की थी तो यहीं पर हम लोगों ने एक डिफरेंस भी हम लोगों ने समझा कि शौर्य और पैसा ये दोनों एक चीज कहीं ना कहीं नहीं है। बिल्कुल हम लोग उसको एक समझते हैं और गलत भी नहीं है समझना, लेकिन ये समझ लेना कि अगर हम लेखक बनना चाहते हैं तो साहब हमें गरीबी के दिन देखने पड़ेंगे, तो आजकल ऐसा भी नहीं है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप भी चेतन भगत बन सकते हैं, आप भी अमीश बन सकते हैं, और आप भी जो हैं चंद्रशेखर वर्मा बन सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमें आप अपने फीडबैक्स लिखते रहें और हमें इसी तरीके से आप अपनी क्वेरीज भेजें, आप किस
कला के विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं, किस प्रतिभा के विषय में जानना चाहते हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उससे जुड़े हुए जो ज्ञान है उसको बटोर के हम आप तक ला सकें। और एक बात मैं समाप्त करने से पहले बता दूं, बहुत जल्दी हम एक OTT प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसमें कंटेंट राइटर्स के लिए एक नई दिशा खुल जानी है। उसमें ऐसे कई बड़े बड़े लेखक भी जुड़ेंगे जो कि आपको प्रोत्साहित करेंगे लिखने के लिए, उन कंटेंट्स को बनाने के लिए। आप हमसे जुड़े रहिएगा, इसकी डिटेल्स हम बहुत जल्दी आपसे साझा करने वाले हैं। सो टेक केयर एंड सी यू अगेन नेक्स्ट संडे ऑन प्राइम टीवी, और देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभांकर।